हेलो दोस्तों, मैं सलमान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट को कैसे सेटअप कर सकती हैं। आप सभी को पता होगा कि व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है लास्ट वीक, और ये कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ के लिए अभी तक अवेलेबल था, जैसे UK, US, मलेशिया। पिछले वीक ये कुछ इन्हीं कंट्रीज़ के लिए ही अवेलेबल था, बट अभी आज व्हाट्सएप ने ऑफिशियली ये इंडिया के लिए भी लॉन्च कर दिया है। मतलब कि प्ले स्टोर पे, इंडिया के प्ले स्टोर पे भी जो है व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन अवेलेबल हो गया है। इसमें मैं बात करूँगा कि आप अपनी प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल कैसे सेट कर सकते हैं अपने कस्टमर से इंटरेक्ट होने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाएं, व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन सर्च करें, व्हाट्सएप बिजनेस यहाँ सर्च मारें, व्हाट्सएप बिजनेस, ये देखिए व्हाट्सएप बिजनेस सर्च करेंगे, ये एप्लीकेशन आएगा व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप इंक्लूसिव। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है। इसका सेटअप जो होता है दोस्तों, जैसे नॉर्मल व्हाट्सएप का सेटअप होता है, आपका जो है नंबर देते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं, OTP आता है, हो जाता है, सेम इसका भी उसी तरीके से होगा। तो उसको करने के बाद आप क्या करेंगे, मैं अपने इसको व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। ये देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ इसको जो है, ये देखें इसका कुछ इंटरफेस ऐसा होता है, चैट्स, स्टेटस, कॉल्स, बस फर्क ये है व्हाट्सएप बिजनेस यहाँ पे लिख के आएगा, व्हाट्सएप की जगह पे व्हाट्सएप बिजनेस लिख के आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग इसके एडिशनल सेटिंग के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे क्लिक करें जैसे कि नॉर्मल व्हाट्सएप में होता है, फिर उसके बाद सेटिंग पे जाएं। ये देखिए सेटिंग पे सारी कुछ सेटिंग आप देख सकते हैं सेम है, सिर्फ एक सेटिंग यहाँ पे अलग है, बिजनेस सेटिंग, अकाउंट, चैट, नोटिफिकेशन, डेटा, ये सारा कुछ सेम है, सिर्फ यही है जो कि मतलब बिजनेस को सेट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ क्लिक करें बिजनेस सेटिंग पे, यहाँ से आपको जो है प्रोफाइल सेट करें। ये देखिए प्रोफाइल स्टैटिक्स, अवे मैसेज, ग्रीटिंग्स, कीप क्विक रिप्लाइज, प्रोफाइल, यहाँ से मतलब आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है कि बिजनेस आपका किस लिए है। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद जो है फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करें, एडिट पे, एडिट पे क्लिक करने के बाद देखें यहाँ से जो है आप अपने उसका एड्रेस डालेंगे, ये देखें यहाँ पे आप बिजनेस एड्रेस मतलब आपके ऑफिस या जो बिजनेस आप करते हैं वो कहाँ पे है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है ये कैटेगरी, ये देखिए चूज ए कैटेगरी मतलब आपका बिजनेस किस लिए है, ब्यूटी, स्पा, क्लॉथिंग किस लिए है, यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद ये देखें यहाँ पे आप डालेंगे बिजनेस का डिस्क्रिप्शन कि मतलब बिजनेस आपका किस कौन सा बिजनेस है, ऑटोमोबाइल का है या मतलब ऑनलाइन शॉपिंग का है या किस चीज़ का बिजनेस है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है ये ऑप्शन मिलता है आपको, इस ऑप्शन में क्या है, एडिट बिजनेस आवर्स, यहाँ से आप जो है बिजनेस आवर्स को ये शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, मतलब आपका बिजनेस ओपन फॉर सेलेक्टेड आवर्स ऑलवेज ओपन बाय अपॉइंटमेंट कि मतलब कुछ समय के लिए सिर्फ ओपन है बिजनेस आपका, 2 घंटे 4 घंटे के लिए, या ऑलवेज ओपन है बाय अपॉइंटमेंट, जैसे आप करते हैं फॉर सेलेक्टेड आवर्स, मान लो 2 घंटे के लिए आपका बिजनेस ओपन होता है या 4 घंटे के लिए, तो आप यहाँ से हर दिन के लिए मंडे ट्यूजडे लेके से सैटरडे लेके टाइम सेट कर सकते हैं कि किस दिन कितने घंटे के लिए ओपन रहता है। उसके बाद ये देखें अगर ऑलवेज ओपन करते हैं तो मतलब 24/7 आपका बिजनेस मतलब हमेशा जो है ओपन है। बाय अपॉइंटमेंट अगर क्लिक करते हैं तो आप यहां से ये देखें अपॉइंटमेंट हो कर सकते हैं, जैसे मैंने कर रखा है संडे को क्लोज है, बाकी दिन जो है मंडे ट्यूसडे, बाकी सारे दिन जो है अपॉइंटमेंट लेके ओपन है। तो इस तरह से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं किस किस समय के लिए ओपन है, सेलेक्टेड आवर्स, ऑलवेज ओपन, बाय अपॉइंटमेंट। इसके बाद जो है ये देखें नीचे जो है सबसे यहाँ पे ये देखिए सबसे अच्छी चीज़ ये दिया हुआ है कि आप जैसे ही आपको कोई मैसेज करता है तो यहाँ से आपकी ईमेल आईडी, ये देखिए ईमेल एड्रेस, यहाँ से मैक्सिमम 2 वेबसाइट आप डाल सकते हैं ये सेटिंग में, यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दें, एक वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट, अगर आपकी जो बिजनेस है उसका कोई वेबसाइट है या कोई भी ऐसा कुछ URL है तो यहाँ पर आप लिख डाल सकते हैं वेबसाइट पर, और ईमेल आईडी पर यहाँ ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये कम्प्लीट सेटअप हो गया, यहाँ पर बिजनेस का एड्रेस डाल देंगे, किस लिए बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, फिर कब ये ओपन है यहाँ से, कब ओपन है यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद ईमेल एड्रेस, ये वेबसाइट,
फिर यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने की बात क्या होता है ये देखें, सेव करने के बाद फिर देखिए दूसरी सेटिंग जो इसमें सबसे अच्छी है ये अवे मैसेज ग्रीटिंग टू ग्रीटिंग मैसेज क्विक रिप्लाइज, मतलब मैसेज टूल्स हैं ये कि आप मतलब जैसे मान लीजिए आप जो अवे मैसेज पे क्या होता है अगर आप अवेलेबल नहीं हैं, ये देखिए सेंड अवे मैसेज, इसको ऑन करते हैं और यहाँ पे कुछ मैसेज लिख देते हैं जैसे कि जब कोई भी आपको मैसेज करेगा तो इस तरह से उनको जो है ये मैसेज चला जाएगा, जो भी मैसेज आप यहाँ पे मेंशन किए रहेंगे इसको ऑफ कर देंगे तब ये मैसेज नहीं जाएगा। कोई भी आपको मैसेज करेगा फर्स्ट टाइम तो उसके ये मैसेज जाएगा, अब ये मैसेज नहीं, ये हो गया। फिर उसके बाद आता है ग्रीटिंग मैसेज, कोई फर्स्ट टाइम आपको मैसेज करता है अगर इसको ऑन किए रहते हैं तो ऑटोमेटेड जो यहाँ पे आप मैसेज सेट किए रहेंगे वो उनको पहुँच जाएगा, जैसे ही आपको कोई फर्स्ट टाइम मैसेज करता है। अभी मैं दिखाता हूँ इसके बारे में ये कैसे वर्क करता है। फिर उसके बाद जो फीचर आता है ये देखिए, नेक्स्ट फीचर जो है क्विक रिप्लाइज, यहाँ से आप क्विक रिप्लाइज सेंड कर सकते हैं, वो शॉर्टकट देने से जैसे ये लिखेंगे आप जो है स्लैश करके तो ये मैसेज सेंड हो जाएगा, यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ से स्टैटिक्स कितने मैसेज आपको सेंड हुए हैं ये देखें, स्टैटिक्स कितने मैसेज सेंड हुए हैं, कितने मैसेज डिलीवर हुए हैं, कितने रीड हुए हैं और कितने जो है रिसीव मैसेज जो है रिसीव हुए हैं। तो ये कुछ बेसिक सी सेटिंग है, बाकी सेटिंग अकाउंट चैट ये सारी सेटिंग जो है ये अकाउंट ये जितनी सेटिंग है बाकी सारी सेटिंग सेम है, यही सेटिंग सिर्फ जो है डिफरेंट है। अब सपोज करिए कोई आपको मैसेज करता है तो उसको मतलब कैसी आपको आपकी प्रोफाइल कैसी दिखेगी, कोई फर्स्ट टाइम मैसेज करेगा तो आपको उसकी प्रोफाइल कैसी दिखेगी, उसको आपकी प्रोफाइल कैसी दिखेगी, तो ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज करिए ये देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि बिज़नेस वाला नंबर है, ये देखिए मैंने यहाँ से मैसेज किया अपने बिज़नेस वाले नंबर पे, मैंने अपने पर्सनल नंबर से अपने बिज़नेस वाले नंबर पे मैसेज किया हेलो, तो ये देखिए ग्रेटिंग मैसेज आ गया हेलो थैंक यू फॉर योर मैसेज, इस तरह से जो मैंने मैसेज सेंड किया है वो मैसेज सेट हो जा मतलब उसको यूज़र को चला जाएगा, जो भी आपको मैसेज करेगा इस तरह से ऑटोमेटेड रिप्लाई उनको पहुँच जाएगा। और यहाँ से जो है ये देखिए यहाँ से मेन जो सबसे अच्छी बात है कि कोई भी आपके कंपनी के बारे में सारी डिटेल यहाँ से देख सकता है, ये देखिए बिजनेस अकाउंट है ये जो है एजुकेशन में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपॉइंटमेंट ओनली, ये देखिए यहाँ से ईमेल आईडी दी हुई है, यहाँ से मेरी वेबसाइट दी हुई है, यहाँ से मेरी फेसबुक का पेज दिया हुआ है। तो इस तरह से सारी चीज़ें एक जगह पर कोई भी आपको जो मैसेज करता है सारी चीज़ें यहाँ से उसको जो है डिटेल मिल जाएंगी, आपकी वेबसाइट ईमेल और जो भी डिटेल्स यहाँ पे आपने दे रखी है सब कुछ जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से सेटिंग थे इसके जो है व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन के। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करें, मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।